हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास टेंथ मैथ्स का जो है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम यहाँ पर सॉल्व डिस्कस करने वाले, जिसमें से हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी कवर किया हुआ है और साथ ही में जिस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे न्यू पैटर्न के हिसाब से, तो वो सब कुछ हमने यहाँ पर कवर किया है। तो यहाँ पर आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो 2 मार्क्स में आने वाले हों, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। इससे वैसे आपका मैक्सिमम 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने के ही चांसेस है, बाकी 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो डेफिनेटली इस चैप्टर में से 1-2 आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर आप देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, आपको इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि इसको बेसिक वाले करें या फिर स्टैंडर्ड वाले करें, दोनों को ही इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना चाहिए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखने चाहिए, क्योंकि ना आपका बेसिक और स्टैंडर्ड में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि जो इसमें डिजिट्स होती हैं बेसिक में वो काफ़ी सिंपल सिंपल डिजिट्स होंगी, और जबकि स्टैंडर्ड में जो डिजिट्स होती हैं वो टफ दी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने हर कुछ टाइप के क्वेश्चंस को कवर किए हैं, 1-2 क्वेश्चन आपके सिंपल भी हैं और बाकी आपके थोड़े से हमने टफ डिजिट्स को ही यहाँ पर रखा है, ताकि जो चीज़ें हैं ना, अगर आपने स्टैंडर्ड वाला पढ़ लिया तो बेसिक वाला तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और मेनली कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप समझोगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपको प्रैक्टिस जरूर करने हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमारा फर्स्ट टाइप है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। इन्होंने आपको सम ऑफ जीरोज दे रखा है 21/8, जबकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 5/16, और उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन्होंने आपसे पूछा है, तो यही चीज हम यहां पर क्या करेंगे, फाइंड आउट यहां पर हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोस जो होता है अल्फा प्लस बीटा, वो होता क्या है, ठीक है ना, वो तो बाकी और क्वेश्चन में आपका यूज़ होगा। जो आपका होता है अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, बट फिलहाल इस क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है और अल्फ़ा गुना जो यहाँ पर अल्फ़ा मल्टीपल बाई बीटा, ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है, और कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है आपका, x² - α+β एक्स प्लस में अल्फा गुना बीटा। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखने हैं कि इस चैप्टर में से आपके ये जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। तो हर चैप्टर से मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बता के चलती हूँ, ताकि आपने एक स्पेशल और छोटी सी डायरी बना लो और उसमें सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं आप उसे नोट डाउन करके रख सकते हो। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली मेनली जो क्वेश्चन है इस चीज़ का, अगर ये आपको पता है सिंपली हमने क्या रखना है, वैल्यू रखना है, और हमारे यहाँ पर इक्वेशन जो है वो पर्टिकुलर निकल कर आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अब आपके पास पूरे का पूरा पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें से इन्होंने कहा है कि आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें से कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो कौन सा है, -1 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको जीरोस दे के रखे, या फिर ऐसे भी बोल देते ना कि x+1 क्या है, इसका फैक्टर है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, तो जब फैक्टर बोलते हैं तो सबसे पहले आप इसका क्या निकाल देते हो, जीरोस। तो x = -1, तो इस टाइप के भी दे सकते हैं और आपको डायरेक्टली जीरोस भी दे दिया। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, पी एक्स के फंक्शन में जहाँ पर भी एक्स है उसकी जगह आपको क्या पुट करना है, -1, क्योंकि -1 इसका जीरोज है, और जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा के की वैल्यू जो है वो निकल कर कितना आ जाएगा, -2। नेक्स्ट मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 4√3x+3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा -α/β। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन्होंने कहा आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसमें से आपका अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं, तो तब आपको ये वैल्यूज को फाइंड आउट करने हैं। फंक्शन हमारे पास ये गिवन है, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होता है, -b/a, और कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, x² + bx + c, मतलब x² के साथ जो कोफिशियंट होता है वो a, x के साथ जो कोफिशियंट होता है वो b, और जो वैसे ही खाली पड़ा रहता है वो आपका c। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे b की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है, -4, और क्योंकि यहाँ पर जो है इस चीज़ को ही हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे -b/a है, तो एक माइनस तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का भी आएगा, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, एक तो आपका माइनस फॉर्मूले का आएगा और प्लस में b की वैल्यू भी यहाँ पर माइनस है, इस वजह से -, क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4√3, वो भी प्लस में, ठीक है। और अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल रहे हैं, फॉर्मूला क्या है, c/a, c आपका 3 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो समझ लो 1 है, तो हमारा आ गया c/a 1।
तो सी वन सॉरी थ्री अपॉन में वन, तो थ्री अपॉन में वन को हम थ्री कंसिडर कर सकते हैं, और मेनली हमें निकालना क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस अल्फ़ा बाई बीटा, तो इसकी जगह सिर्फ हमने वैल्यू पुट कर दिया। और आपको जो क्वेश्चन है ना आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी गिवन होगा, उस पर्टिकुलर ऑप्शन को आपको चूज़ करके आगे बढ़ जाना है। अब आगे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फोर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और थोड़े से आप ये मान सकते हो 2 से 3 मार्क्स में ये पूछे जाएंगे। व्हाट शुड बी एडेड इन द पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस में 11x + 8 सो दैट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई दिस। इन्होंने कहा एक पॉलीनोमियल फंक्शन में ऐसा क्या ऐड करें सो दैट कि वो जो फंक्शन है वो इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, इसको इससे डिवाइड कर देना, जो आपका रिमाइंडर होगा उसी चीज़ को हम ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पॉलीनोमियल कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, इसको डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करते समय इस बात का ध्यान रखना है, वैसे तो मोस्टली आप सबने पढ़ लिया होगा कोचिंग में स्कूल में, तो डिवाइड करना आ गया होगा, बट मेनली मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देती हूँ कि जब भी आप डिवाइड करते हो ना तो इसका फर्स्ट फंक्शन और इसका फर्स्ट फंक्शन दोनों को ध्यान में रखकर इसको किया जाता है। जैसे आपका एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें सो कि एक्स की क्यूब आ जाए। हमें पता है पावर में जब हमारी पावर मल्टीप्लाई होती है तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं, तो इस वजह से क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर है एक्स की क्यूब चाहिए, तो एक्स स्क्वायर में मतलब एक्स की पावर 1 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा तो 2 + 1 आपका 3, तो इसलिए हमने एक्स से करा। अब एक्स को आपने इससे करा तो ऐसा तो है नहीं इसी से हो जाएगा, फिर ये है कि आपको इससे भी करना पड़ेगा, और उस तरीके से जो है प्लस को माइनस में माइनस को प्लस में बदल के आप क्या क्या करते हो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, और फिर आपका जो फाइनली जो हमारा रिमाइंडर है इस क्वेश्चन में 14 आया है, तो क्योंकि आपका रिमाइंडर 14 है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, -14 को भी ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर जो इक्वेशन है वो डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है ऑन डिवाइडिंग दिस बाय द पॉलीनोमियल फंक्शन जी एक्स द कोशेंट एंड द रिमाइंडर आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। इन लोगों ने कहा है कि आपके पास क्या है, ये आपके पास पूरा का पूरा पी एक्स है, ठीक है ना। आप किसी पॉलीनोमियल को किससे आप डिवाइड कर रहे हो, जी एक्स से, ओके जी एक्स को डिवाइड कर रहे हो, तो आपके पास कोशेंट कितना है एक्स माइनस थ्री क्यू एक्स और रिमाइंडर कितना है आपके पास 4। तो जब आपने एल्गोरिथम करा होगा तो आपने इस फॉर्मूला को तो ज़रूर देखा होगा कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, जी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। तो इस चीज़ को ही हमने यहाँ पर यूज़ किया है, पी एक्स की जगह हमने पी एक्स को रख दिया, जी एक्स हमें पता है नहीं, उसके बाद क्यू एक्स हमारे पास एक्स माइनस थ्री और आर एक्स है हमारे पास ये। इसको हमने क्या किया, फर्दर इसको इधर साइड ही रहने दिया होगा और प्लस का 4 इधर आकर माइनस का 4, तो उसके बाद इस चीज़ को और फिर फर्दर इसको हम ले जाएंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, फाइनली हमारे पास ये जो चीज़ निकल कर आई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ना आपको वो फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है, दैट इज़ पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, क्योंकि इसी की हेल्प से आपको इसमें से चार चीज़ें में से 3 चीज़ भी दे दिया तो आप फाइनली जो है आंसर आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मेनली आपका फिर इस तरीके से डिवाइड हुआ है, डिवाइड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है, तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चंस भी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का है, बेसिक में आने के थोड़े से कम ही चांसेज हैं। तो बात करते हैं कि अल्फ़ा और बीटा जो है इस पॉलीनोमियल के जीरोज़ हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड 1 अपॉन में अल्फ़ा + 1 अपॉन में बीटा। इसमें ना स्टूडेंट सिर्फ घूम जाते हैं, बाकी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले इसी पॉलीनोमियल की हेल्प से हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल दिया माइनस बी अपॉन में करके, यहाँ पे 2 आ गया और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आया वो 5 अपॉन में 2 यहाँ पर आ गया। हमें चाहिए क्या, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, क्या ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो उस चीज़ को ही हमने क्या करा, यूज़ किया अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है क्योंकि हमारे पास हम सम ऑफ जीरोज निकाल चुके हैं माइनस बी अपॉन में से, तो 2 का स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमारे पास 2 साथ में लगाना है, इसके बाद सॉल्व करके हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाती है, -1। अब बात करते हैं हमने अपने नेक्स्ट पार्ट की, उसमें क्या हमें फाइंड आउट करना था, 1 + 1 अपॉन में अल्फा + 1 अपॉन में बीटा। तो इसको हमें क्या करना है, सिंपली सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे हम इस क्रिस्क्रॉस मेथड से, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्फा बीटा और यहाँ पर बीटा प्लस में अल्फा। तो आपके पास इसमें भी आपका क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो गया, आपने अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज आपके पास ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है क्योंकि आपका 5 अपॉन में 2 था, तो ये 2 भी क्या हो जाएगा न्यूमिनेटर में जाकर 2 × 2 = 4 अपॉन में 5 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, अलग टाइप का, अलग नहीं आपका अच्छे टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता था, अब इस नए पैटर्न में तो कुछ कह नहीं सकते,
लेकिन ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आएगा तो आपका 3 से लेकर 4 मार्क्स तक का ये क्वेश्चन बनेगा। अगर इजी बना तो 3 मार्क्स का, थोड़ा सा टफ दे दिया तो आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन है कि गिवन आपके पास है कि एक्स माइनस रूट फाइव इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अब देखो ये जैसे ही रूट वूट जोड़ा ना, आप समझ लो कि ये वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड हो गया। अब इसी का मैं दूसरा आपको दिखाऊंगी बेसिक टाइप का क्वेश्चन किस तरह से होगा, बाकी आप देखोगे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्या है कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा एक्स माइनस रूट फाइव आपका एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल फंक्शन का, जिसमें से आपको क्या करना है इस पॉलिनोमियल फंक्शन से और भी ज़्यादा आपको जीरोज यहाँ पर क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस चीज, इस टाइप के क्वेश्चंस में जो भी आपका फैक्टर है उसको आप क्या करोगे इस पॉलिनोमियल फंक्शन से कर दोगे डिवाइड। डिवाइड करने के बाद जब आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा, और ऑफ़ कोर्स इस टाइप के क्वेश्चन में आपका जो रिमाइंडर है कुछ नहीं बचना चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर कुछ बच रहा है इसका मतलब आप मिस कैलकुलेशन कर रहे हो और फिर उसको आपको चेक करने की ज़रूरत है। तो फाइनली हमारे पास सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना, ये हमारे पास वैल्यू निकल चुकी है एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट फाइव एक्स माइनस 15। इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, और इसका फैक्टराइजेशन करके हमें हमारे पास आ जाएगा जीरोस। जीरोस हमारे पास आ चुके हैं, आप देख सकते हो आपका यहाँ से आपका आ गया एक्स प्लस रूट फाइव और एक्स माइनस थ्री रूट फाइव, दोनों को आप जीरोज में इक्वल टू जीरोज में रखोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, एक तो रूट फाइव और एक आपकी थ्री रूट फाइव। तो यहाँ पर रूट फाइव थ्री रूट फाइव वैल्यू तो है ही, और ऊपर से जब इन्होंने हमें शुरू में बोला था कि आपके पास ऑलरेडी एक फंक्शन है एक्स माइनस रूट फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से भी तो आपके पास ये माइनस रूट फाइव इधर जाके आपका क्या बनेगा प्लस का रूट फाइव ही बनेगा। तो यहाँ से आपके पास ये सारे के सारे जो जीरोज हैं यहाँ से आपके निकल के आ चुके हैं, ये वाला माइनस होगा और ये जो हम ऊपर वाले से निकाल कर, हमेशा आप ये देखिए ना क्वेश्चन में जितने पावर होंगे, अगर आपका 3 पावर से इक्वेशन स्टार्ट है तो उसमें 3 जीरोज निकलेंगे, 4 से है तो 4 जीरोज निकलेंगे, बस इस चीज का ध्यान रखना है आपको। और आपके जैसे मान लो 4 पावर होता तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपका स्क्वायरिंग पावर में होता, फिर यहाँ से 2 जीरोज निकल जाते और फिर 2 जीरोज फर्दर हम डिवाइड करके निकाल लेते। तो उस टाइप का आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब आपका 4 पावर का क्वेश्चन होगा तो वो आप किस तरीके से अटैम्प्ट करोगे। इन्होंने कहा एक आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसको जो कि कम्प्लीटली डिवाइड है इससे, अब आपको क्या करना है इस जीरोज को निकालना है। तो यहाँ पर हम सेम मेथड जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जैसे आपका देखो 3x² माइनस रूट 5 आपका 0 है तो 2x² आपका क्या हो जाएगा 5/√3, और कभी भी रूट से बाहर चीजें निकल कर आती है ना तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। उसके बाद यहां से तो हमें 2 जीरोज निकल गए, उसके बाद हमने फर्दर क्या करा डिवाइड करा, जो भी हमारे पास आया उसको हमने दोबारा से क्या करा फैक्टराइजेशन करके यहाँ पर हमारे पास जीरोज आ चुके हैं 5√3 माइनस 5√3 और माइनस 2 एंड 1। आई थिंक ये बुक का ही क्वेश्चन है आपका, बहुत ही थोड़ा सा मतलब आपके पास ना वैसे बुक में किस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपका जो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ये है उसके जो जीरोज है ना वो आपकी रूट 2 है, एक माइनस रूट 2 है, तो ऐसे में भी ना आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर उसका रूट 2 है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक आपका क्या बन जाएगा एक्स माइनस रूट 2, और अगर माइनस रूट 2 है तो बन जाएगा एक्स प्लस रूट 2। इसको डिवाइड सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आपके पास ये क्वेश्चन एकदम नॉर्मल हो गया ना, अब इससे पूरे पॉलिनोमियल फंक्शन जो भी आपके एग्जाम में दिया होगा उसको आप डिवाइड कर दो और आपका सोल्यूशन जो है आपका ईजिली निकल जाएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके एग्जाम में हेल्प भी बहुत करेगी, तो इसलिए इसको आप क्या कर सकते हो नोट डाउन करके रख सकते हो बाद में रिवीजन के लिए, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, स्पेशली जो जिन्हें मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प जो है वहाँ से यहाँ से मिल जाए। साथ में चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, सो दैट कोई भी नई वीडियो डले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।